अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। दोपहर के इस टाइम हो रहे हैं 3:30। वो मेरा लाउंज जो आप लोगों को बहुत सिमटा हुआ और बहुत साफ़ सुथरा लगता है। तो दोपहर में आज 2-3 दिन हो गए, मरियम ने जो है अपना न्यू गेम स्टार्ट कर दिया है। नो मरियम नो, सारी चीज़ें उसने उठा के फेंकी हुई हैं, सारे स्टूल जो है उसने यहाँ साइड पे कर दिए हैं और अपनी पानी की बोतल गिरा दी है। सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, ये मरियम की एक्टिविटी है। अब मैं सोचती हूँ कि ये भी ना करे बेचारी तो फिर क्या करे, क्योंकि छोटी है, टीवी अभी इतना देखने का उसको शौक़ नहीं है। सिर्फ इसका एक ही फेवरेट चैनल है, वो है कोकोमेलन। तो मैं कहती हूँ कि कोकोमेलन जो है वो हमारी फैमिली है, और मोस्टली जितने भी छोटे बच्चे हैं, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे भी रही है या नहीं, तो जितने भी जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो कोकोमेलन उस घर की जो है वो फैमिली का एक हिस्सा है। हाँ हेलो ब्लॉग्स, चले मरियम, सिंधी में मरियम से कह रही हूँ कि हेलो मरियम, ब्लॉग्स विझूँ सब ब्लॉग्स विझूँ। हाँ नो 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 नो, चलो सब ब्लॉग्स वापस डालें। अब मैं मरियम को जो है वो कुछ जो है वो थोड़ी देर में 4 बजे तक सुला दूंगी और 4 बजे फिर फातिमा को उठा लूँगी। तो ये मेरी रूटीन है, एक को सुलाती हूँ एक को उठाती हूँ, और ये सारी चीज़ें अभी मुझे समेटनी भी हैं। तो यूं ही रहिएगा आप लोग मेरे साथ। और मैंने आज अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है कि मरियम लाउंज में क्या कुछ करती है। तो इस टाइम बस मैंने जो है, कैट भी मरियम को बहुत पसंद है, तो म्याऊं म्याऊं वाले जो है मैंने कलरिंग वीडियो लगा दी है मरियम को। मरियम जो है अब ये थोड़ी बहुत वीडियो भी देख लेगी, और मैं मरियम को कुछ खिला देती हूँ। तो मरियम को थोड़ा सेरेलेक खिला देते हैं, फिर उसके बाद हम मरियम को सुलाएंगे। मरियम इको इको शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ मरियम को कुछ खिला के और फिर मैं मरियम को सुला दूँगी जी। तो मैं अभी फातिमा को जो है वो छोड़कर आई हूँ कराटे क्लास पे, और आज मरियम इतने मज़े से सो रही है। जब वो सो रही थी तो मुझे वैसे ही बहुत आवाज़ें आ रही थी आज हवा की, तो मैंने उसको ये टोपी पहना दी थी सोते सोते, और ये उठी भी नहीं और ये सोई भी, तो अभी इसको टोपी पड़ी हुई है, जैसे उठेगी तो टोपी फेंक देगी उठा के। तो इतनी हवा थी आज नीचे, इतनी ठंडी हवा थी कि अब तो अभी मगरिब की अज़ान हुई है और बिल्कुल बादल हैं और इतनी ठंडी हवा थी ना पूछें। तो मैं फातिमा को भी कैप पहना के गई थी और मरियम को भी मैंने कैप पहना दी थी। तो फुल आज जो है वो ठंड प्रोग्राम चल रहा है मस्कत में। तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। आई थिंक देखें, इसको कहते हैं लकी। अभी अभी अली आ गए हैं, उनको आइडिया। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ आई मैं फातिमा को, जी जी आ जाएं। तो अली जो है वो ऑफिस से आ चुके हैं और आज जल्दी ऑफिस से आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा हो गया। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही टाइम पे जो है वो विंडो ओपन की। मैंने कहा कि मैं दरअसल फ़ोन ले जाना भूल गई थी, मैं फ़ोन जल्दी जल्दी में उठाना भूल गई थी क्योंकि मरियम सो रही थी, उसको सोते सोते ही मैंने स्ट्रॉलर में डाला था। तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा है और मगरिब की अज़ान हो चुकी है, मैं जल्दी से मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना टाइम निकल जाएगा। तो आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो यूं ही मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अली भी आ चुके हैं, अब मैं उनके लिए कुछ चाय वगैरह बना लूँगी जी। तो व्यूअर्स, इस टाइम हम जा रहे हैं फातिमा को लेने, और बड़ी मुश्किलों से हमने मरियम को टोपी पहनाई है। मरियम नो नो मरियम, नो बटन्स। मरियम ही छाप आती है टोपी सर्दिया है, हवा है, हाँ नीचे हवा है इसलिए मरियम ने पहनी है टोपी। मरियम टॉप किधर टॉप? अयो अल्लाह, वेरी गुड मरियम। अच्छा तो बस हम भी जा रहे हैं फातिमा को लेने।
मरियम सबसे आगे जा रही है, हम सबसे आगे, वो देखिए। अब उतर उतर के जो ये वाली स्लेप है इससे भी बड़ा अच्छा बैलेंस बना लेती है मैडम। हाथ हाँ दे दिया, दे दिया हाथ, दे दिया, खुशी है उसकी, उसकी खुशी आज कि बाबा जो है वो लेके जा रहे हैं और हम फातिमा को लेने भी जा रहे हैं, तो उसकी अलग खुशी है। अच्छा जब अली बच्चों को नीचे लेके जाते हैं ना तो इन लोगों की अलग ही खुशी होती है। मैं इनको नीचे ले जाऊँ तो मैं शायद इन लोगों को स्ट्रिक्ट रखती हूँ, यूँ बैठो यूँ करो हिलो नहीं। अली इनको छोड़ देते हैं और इनके पीछे पीछे, अब मैं तो नहीं पीछे पीछे भाग सकती इन लोगों के। वो देखिए बड़े मज़े कर रही है, उसको गाड़ी में बैठना है। फातिमा को लेने जा रही हूँ, सिर्फ फातिमा गाड़ी में, गाड़ी गाड़ी में लेके जा रही है फातिमा को। हैप्पी है मरियम? सो हैप्पी, मुझे हैप्पी, मुझे हैप्पी। तो बड़े मजे से आके बैठ जाती है हमारे साथ और हैप्पी भी है। हैप्पी हो? टोपी कहाँ पहनी है मरियम ने? टोपी। वेरी गुड। सर्दी है? बहुत ठंडी हवा चल रही है। वेरी गुड, ठंडी हवा चल रही है। हाँ अली इसको ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे किसी मछली के बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो मुझसे भी अटैच हैं पर अपने बाबा से दोनों बहुत प्यार करती हैं, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा खुश अपने फादर के साथ होती हैं, इतना मेरे साथ नहीं होती। वही बात है ना कि मैं हर चीज़ से रोकती हूँ कि, और ये सही भी है कि एक बंदा रोके और जो है वो दूसरा बंदा भले उनको आज़ाद छोड़ दे, जो उनका दिल करे वो सब करने देना। तो मैंने देखा है अली किसी भी चीज़ से इन लोगों को मना नहीं करते और इन लोगों की सारी चीज़ें पूरी करते हैं और मैं हर चीज़ से मना करती हूँ। तो फातिमा थोड़ी समझदार हो गई है, उसको यही होता है कि मम्मा मना करती हैं बाबा मना नहीं करते। तो अभी आ जाएगी सामने से और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसकी बातें सुनाती हूँ आप लोगों को। यहाँ फातिमा जो है वो आ चुकी हैं। No. समर ते ना आयो। हली वो आ रहे? हाँ हली वो अलाए काड़े वो। ताँ बुदा ताकि मज़ो आयो? हाँ। अच्छा तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो नो मरियम, तो मुझे आज भी एक आध मैसेज आए कि आप लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम सिंधी में बात करते हैं, हम सिंधी हैं और बच्चों से हम घर में सिंधी में ही बात करते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ वीडियो क्योंकि फातिमा जो है वो बर्ड को सॉन्ग सुना रही है। उसने मुझे कहा मम्मा मैं उसको गुड नाइट करने जा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है अब देखते हैं फातिमा कैसे उसको सॉन्ग सुना रही है। जी तो ये थी मेरी, हाँ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।